हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने जा रहे हैं अपने वर्ल्ड के लिए एक हैंगिंग एन्चेंटमेंट टेबल रूम। सो जिस वीडियो को लाइक नहीं करा लाइक कर देना, जो भी चैनल पे नए प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल। बस आप सभी लोग की कृपा से हमारे चैनल पे हो चुका पूरे के पूरे 100 सब्सक्राइबर्स, और मेरे को पता 500 सब्सक्राइबर जल्दी से करवा दोगे। बाकी बिना देरी के चलते वीडियो की तरफ। ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, आज इस वीडियो में बनाने जा रहे हैं हम अपने लिए एक एन्चेंटमेंट रूम। लाइक एन्चेंटमेंट टेबल तो मैंने अपने लिए बनाना ही था, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आइडिया क्यों ना इसको थोड़ा सा हैंग और एक्सपेंसिव वे में बनाया जाए। तो और अभी हमें क्या करना है, लाइक पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मैं इसका अगली वीडियो में इंटीरियर कर दूंगा, लेकिन अभी मेरे दिमाग में कुछ इंटीरियर का कुछ आया नहीं, कोई आइडिया ही नहीं है। क्यों ना, मैं ज़्यादा एस्थेटिक वाला बंदा भी नहीं हूँ, सो मेरे दिमाग में भी कुछ आया नहीं कि मैं क्या करूँ। लाइक घर में मेरे पास इतनी स्पेस है, पर मेरे दिमाग में कुछ नहीं है। घर में स्पेस है मेरे, लेकिन मेरे दिमाग में स्पेस नहीं है। आते हैं थोड़ा बहुत रिजल्ट्स पे। लाइक आपको याद होगा कि मैंने बनाया था अपना शुगर केन फार्म, तो उसको भी अपनी मेरी वीडियो आप भर भर के लाइक कर दे। तो अभी देख लेते हैं शुगर केन आया ना। और भाई साहब, लाइक मैं इस वर्ल्ड में शुगर केन फार्म बनाया था, तब मैं माइनक्राफ्ट के दिन लाकर मैं 2 या 3 दिन रहा था इस वर्ल्ड में। नहीं, 2 दिन रहा हूँ, पूरे के पूरे 2 दिन। जब मैं ये घर बना रहा था तब मैं रहा था पूरे के पूरे 3 दिन, यानी कि यहाँ का 2 दिन, यहाँ का 3 दिन, पूरे 5 दिन। माइनक्राफ्ट का 1 दिन 10 मिनट के बराबर होता है, और पूरे 50 मिनट। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 50 मिनट भी ऐसे हो गए ना, तो आपको दोनों फार्म से मतलब आप जितना मर्जी बना सकते हो। यार मैंने तो अभी 2 ही बनाया। 2 hours later, तो भाई क्या करना है, हमें जो अपना हैंगिंग वाला बनाना, हैंगिंग वाला एंटरटेनमेंट टेबल वाला जो सिस्टम बनाना है, उसके लिए पहले तो हमें चाहिए 2 स्टेप प्लैट। यहाँ पे एक स्टैक पड़ा है एंड यहाँ पे एक स्टैक पड़ा है, इसे उठा लेते हैं। एंड उसी के साथ हमें चाहिए अपने लिए ये चिजर्ड वाले स्टोन चाहिए, एंड मेरे को थोड़ी बहुत स्टोन ब्रिक भी चाहिए। हाँ, ये स्टोन ब्रिक भी चाहिए। यहाँ तक हो जाता अभी तो हमारा काम डन, अभी इसको लेकर चलते हैं। बात यहाँ पर मैंने एक चेस्ट रखी थी कि जो मैं सामान जो मैं इकट्ठा करके लाऊंगा वो मैं इसमें रखूंगा। थोड़ा सा सामान मैंने यहाँ पे रख दिया, थोड़ा सामान भी प्लेस होकर मैं वहाँ पे रखाया। सो एक काम करते हैं, यहाँ से मैं जाने वाला हूँ। मैं अगर हम उसे हैंगिंग बना रहे हैं तो उसको हैंग करने के लिए थोड़ी बहुत स्पेस भी चाहिए होगी, तो उस हिसाब से मैं उसको बनाने वाला हूँ 8 ब्लॉक ऊपर। सो अभी चलते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 ब्लॉक हो चुके हैं। अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले तो 9x9 का हमें एक सर्कल बना लेना है, तो वो मैं बना कर मिलता हूँ आपको। ऑलराइट, सो फाइनली मैंने 9x9 का सर्कल बना लिया। काम बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, तो उसे जल्दी जल्दी खत्म करने की सोचते हैं। सो अभी हमें यहाँ से क्या करना है, यहाँ से मुझे एक स्पूस का प्लैंक एंड 2 ये स्टोन ब्रिक। यहाँ से पुराने के बाद मेरे को यहाँ पे लगा देना ग्लास। ये हो जाने के बाद मेरे को पहले तो ये सारी साइड फिल कर देनी है, एंड अगर मैं उसको फिल करा ये भी इसको भी फिल कर देना, एंड उसके बाद मेरे को यहाँ पे लगाना 2 स्पूस का प्लैंक। एक नहीं, यहाँ पे मैंने, हाँ मैंने एक गलती कर दी यहाँ पे। मेरे को पता क्या करना था, इसको 3 लगाना था, 4th पे उसको रखना था, बाकी गलती वलती तो हो ही है। इसको ऐसे हम कर देंगे, एंड उसके बाद मेरे को इसके ऊपर लगाना है चिजल्ड स्टोन ब्रिक का ब्लॉक, एंड उसके बाद वापस से हमें इसको प्रॉपरली ग्लास से कवर कर देना कुछ। अबे यार डैमेज क्यों पड़ रहा है यार, एक बेफालतू में ना इसको वाटर बकेट डैमेज करने में भी आसान है, साधा 4 ब्लॉक के जंपरी मारे और वाटर बकेट डैमेज करनी है तुमने। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद मेरे को यहाँ पे लग रहा है ये 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 और ये। लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ पहले, यहाँ पे आगे ये हमें लग रहा है एक साइड से कुछ ऐसा, साइड से कुछ ऐसा लग रहा है, एंड हमें इसको चारों साइड दोहराना है। तो उसको दोहरा के मैं आपको अभी मिलता हूँ। ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, सो फाइनली कंप्लीट हो गया, कुछ ऐसा लग रहा है। लाइक कुछ ज्यादा ही मतलब बढ़िया लग रहा है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर मेन मुद्दे की बात आती है। सो हमें यहाँ पे इसको प्रॉपर स्लैब स्लैब कह लो स्टेयर से कवर करना है कुछ ऐसे। सो मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे कवर करना है, एंड उसको चारों तरफ सेम कवर करना है, एंड इसके ऊपर एक और लेयर लाइक यहाँ पे मैंने मान के चलो मैंने इसको प्रॉपर कवर कर दिया, एंड एक ब्लॉक यहाँ पे रख के इसको ऐसे फिर से कवर कर दे। ऑलराइट गाइस, फाइनली मैंने इसकी मतलब इसको जो स्टेयर का एरिया था वो भी मैंने उसको प्रॉपर घुमा के एकदम कवर कर दिया। अब हमें क्या करना है, इस पर लगानी है हमें अपनी क्या कहते हैं उनको स्टोन पिक लगानी है। एक तो यार इनको जो 2-4 दिन से जो मैं बिल्ड कर रहा हूँ उनमें इनका इतना योगदान है, फिर भी मैं इनका नाम लेना भूल जाता हूँ यार, क्या ही नकली बंदा हूँ मैं। ओके
तो ये हो जाने के बाद अभी हमें क्या करना है, स्पेशली आना हमें मुद्दे की साइड पे। सो जोक से बड़ा पैसे चलो नीचे। अभी हमें क्या करना है ये देख पा रहा मैं आपको एक बार दूर से दिखा दूँ, लाइक नीचे से तो अभी ये खोखला पड़ा है लेकिन दूर से दिखने में ये प्रीटी कूल लग रहा है। लाइक अभी तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ ऊपर का एरिया दिख रहा है, लेकिन जब ये हैंगिंग होकर थोड़ा डेकोरेटिव होकर दिखेगा तब ट्रस्ट भी ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लगने वाला है। सो अभी हमें क्या करना है, इसकी नीचे वाले जो स्प्रूस प्लैंक्स उसको कवर कर देना है। ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, ये भी हमारा काम हो चुका है प्रॉपरली डन। लाइक इसको मैंने नीचे से भी प्रॉपर फिल कर दिया है। अब ये लाइक यहाँ से पास से देखने से तो अभी देखो अभी सही नहीं लग रहा, लेकिन जब दूर से जाएंगे और जब ये हैंग होगा तब तो इसकी लुक वाह ये हो जाने वाली है। सो अभी हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ से आना है। लाइक मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ इसका ये ब्लॉक, इससे मैं मान के चलो चार ब्लॉक दूर जाऊँगा। सो एक दो तीन चार, ये होगा चार ब्लॉक दूर। सो अभी हमें क्या करना है, मैं लूँगा कब्रिस्तान, इनको प्रॉपरली यहाँ से लेके मैं जाऊँगा। बाय द वे मैंने ये जो कारीगरी दिखाई है ना इसको मैं तोड़ भी दूंगा, क्योंकि ये एट द सेम टाइम में दिखने का भी बढ़िया लगेगा। सो इसको मैं ऐसे लेके जाता पहले तो ऊपर, लाइक मेरे को अभी देखना पड़ेगा मेरे को कितना ऊपर जाना है। ठीक है अभी मैं चलता रहता ऊपर, चलते रहो डन। आई थिंक मेरे को एक लोग तोड़ देना चाहिए एंड उसके बाद हमें निकलना है ऐसे आम गे। आगे जाने के बाद आई थिंक इतना बड़ी नहीं, थोड़ा सा और आगे एक लोग और एंड आई थिंक दिस इज परफेक्ट। हमें निकाला अपना ग्रिड स्टोन, सो ये कुछ इस डायरेक्शन में है यहाँ नो। सो मेरे को ये यहाँ पे एक ब्लॉक इसको और आगे ले जाऊँगा मैं, इसको मेरे को कुछ ऐसे ग्रिड स्टोन रखने हैं मेरे को कुछ, मतलब ऑल्टरनेट एंगल करके हमें रखने लगा, एक ही सेम डायरेक्शन में नहीं रखने, आपको एक टेढ़ा एक सीधा ऐसे करके आपको ऑल्टरनेट एंगल में रखने हैं। अभी मैं क्या करूँगा अभी यहाँ पे बैठ के अपना से आ गया ना ये ठीक है, ये तो हमारा काम हो चुका है। यहाँ से और भाई साहब मजा ही आ गया भाई, कति जय एनर्जी होगी। अभी हमें क्या करना है, अपना दूसरा स्टैक निकाला को बस्तोन का एंड उसको भी देखो ऐसे मेजर करना पहले तुम्हें एक दो तीन चार, मान के चलो चार ही है। सो याद है एक दो तीन चार, सो इसको मैं आगे लेके जा दूँ। बाकी तलवार मेरी यूज नहीं होती क्योंकि क्या मैं किसी भिड़ता भिड़ता हूँ नहीं, डर के भाग जाता हूँ। सो यहाँ से चलते हैं नीचे। अबे यार चलो कोई नहीं, इसको हमें रखना है कुछ ऐसे ऐसे ऑल्टरनेट करके, हमें इसको भी ऐसे प्लेस कर देना है जस्ट करके ना कुछ बढ़िया से लुक देते हैं। इनको ऐसे करने के बाद मेरे को यहाँ से ब्लॉक खोदना है यहाँ से एक एंड डन। हाउ वर्क्स इट चन बेबी, अब हमें जा रहा है यहाँ से नीचे। ऑलराइट गाइस, दिखने का कुछ अभी ऐसा लग रहा है, लाइक आपको अभी आपको लग रहा होगा कि एकदम सिंपल सा लग रहा है, लेकिन ये भी सिंपल लगेगा क्योंकि ये जो है ये हैंगर्स वगैरह है इन पर भी मैं डेकोरेशन करने वाला हूँ। लेके आनी एक फैंस नहीं कई हजार फैंस, कई सौ फैंस चाहिए क्योंकि अगर हमें इसके हैंगर्स को डेकोरेट करना है तो उसके लिए मेरे को फैंस की भी जरूरत होगी। आई होप मेरे पास फैंस पड़ी हो। फैंस है यहाँ पे, आइए 64 फैंस मेरे को यहाँ से मिल गई, इतनी इनफ नहीं है। अबे कहाँ रख दी मैंने, अबे यार एक तो ना 64 लेंटर भी बना रहे थे मैंने, इनको ले लेते हैं। और फैंस है यहाँ पे 43 और फैंस है, इतना तो हमारे काम हो जाने वाला है। अब जिससे से आगे चलते हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। सो अभी चलो बारी आती है तो इनको डेकोरेट करने की। सो अभी मैं इस पर क्या लगाने वाला हूँ क्वेश्चन इट इज, सो मैं यहाँ से ये निकालूंगा और ये निकालूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये लगाऊंगा एंड यहाँ पे ये लगाऊंगा। फाइनली कि मैंने इतनी मेहनत करी है ये करने में, आपको नीचे जाके दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एक रह गया इसको जावे प्लेस करने के बाद, ओ माय गॉड फाइनली जाके कहीं जाके काम खत्म हुआ। अब मैं आपको दिखाता हूँ इतनी देर का मैं क्या डेकोरेशन कर रहा था, लाइक बताओ दिखने में कैसा लग रहा है, मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। अभी देखो डेकोरेशन मैंने क्या करी है, लाइक यहाँ पे लगाई मैंने कॉबल स्टोन की वॉल, यहाँ पे फैंस, यहाँ पे स्टोन ब्रिक की वॉल, ऐसे करके मैंने सारा मामला पानी रिपीट कर लिया। और यार मेरे को बहुत वो चले जाते अभी, ठीक है ओह ट्रेडर साहब आया दुकान में साहब कुछ बढ़िया नहीं दे रहा है। सो अभी देख लो भाई क्या ही खतरनाक लग रहा है। अभी ये जो हुआ एक काम अभी खत्म तो बिल्कुल ही नहीं हुआ, बेसिकली ये बनाया मैंने रूम किस लिए, एनचेंटिंग टेबल के लिए, तो वो भी इसके अंदर ला के रखना है। यहाँ पे मेरे को मिल जाएगी 33 34 मिल जाएगी मेरे को ऐसे स्लैब।
अब मेरे को करना है लिटरली अंदर आने का रास्ता बनाना है, सो याद लगा दूंगा लाइक मैं थी एंड पहले तो मेरे को यहाँ से ऊपर जाना है, थोड़ा सा ऊपर जाना है। ऑलराइट गाइस, सो फाइनली मैंने इसकी प्रॉपर स्टेयर्स प्रॉपर रेडी कर दिया। आप देख पा रहे हो कि कुछ ऐसी स्टेयर्स लगेंगी, जब मेरे को एनचेंटिंग करनी होगी तो मैं घर से आऊँगा तो ऐसे इसके ऊपर जाऊँगा राजाओं की तरह, फिर यहाँ से खोलूंगा अपने घर का द्वार एंड यहाँ से मेरी होगी एंट्री वगैरह। ओके, अभी जो काम है वो कर लेते हैं। पहले लानी बुक शेल्फ जो कि मैंने शुगर केन तोड़ के और पेपर वगैरह करके मैंने बना लिया था बुक शेल्फ। तो अभी हम क्या करते हैं, अच्छा गोलम मर रहा है भाई साहब, ठीक है भाई गोलम तो आते ही रहते हैं यार, ऐसे करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। सो अभी एक काम करते हैं, पहले तो मैं अरे भाई सब पहले हमें क्या काम करना है कि ऐसे लगाना है कि बुक शेल्फ ऐसे लगानी है कि वो हमें 30 लेवल तक की एन्चेंटमेंट दे। सो वो भी देखें वो हम कैसे लगा सकते हैं, उसका भी आई थिंक मैं पता कैसे लगाऊंगा लाइक यहाँ से 2, 3, 4, 5 ये हो गया, फिर ये हो गया जहाँ से ये मैंने, अबे नहीं मेरे पास स्लिक टच नहीं है तो मेरे को ध्यान से रहना पड़ेगा यहाँ पे, एंड फिर से एक एक करके मेरे को ऐसे करके इसको प्लेस कर देना कुछ ऐसे। हाँ ये दिखने की भी बढ़िया लग रही है, बट लेट्स होप ये 30 लेवल तक की हमें एन्चेंटमेंट दे। ठीक है मैंने अभी बना लिया था एंड इसको मैं कर दूँगी यहाँ पे, ठीक है। ओह बात करो किसके अंदर, और भाई यस 30 लेवल तक की हमें एन्चेंटमेंट मिल रही है, ठीक है एक्सपी का मिल सकता फॉर्च्यून 3। ओ फाइनली ओके, चलो इसका तो यहाँ पे सीन हो गया। अब हम क्या करूँ, मैं क्या करूँगा यहाँ पे एक लाइब्रेरी टाइप बना दूंगा यहाँ पे कुछ ऐसा, लाइक मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत लाइब्रेरी जैसा सीन दिखा दिया एंड यहाँ पे ये मैंने गलत लगा दी, तो इसको तोड़ देते हैं। मेरे को क्या करना है, थोड़ी बहुत इसको अपने एरिया के अंदर मतलब अपने एन्चेंटमेंट रूम के अंदर, एंड दो चेस्ट हैं, पहली चेस्ट को मैं रख दूंगा यहाँ पे, दूसरी को मैं यहाँ पे, पहले के अंदर लैपिस लज़ुली रखेंगे लैपिस लज़ुली और दूसरी के अंदर हम रखेंगे बुक्स। सो अभी ये कुछ ऐसा दिख रहा है, मैं आपको बाहर जाकर इसकी वो दिखा देता हूँ लोकेशन टाइप कि कैसा दिख रहा है। ओके अभी हम आगे यहाँ पे, सो भी ये दिखने का कुछ ऐसा लग रहा है, अगर हम इस पर शेडर पैक अप्लाई करेंगे तो लेट्स सी ये कैसा लगने वाला है। 2 hours later ओके 3, 2, 1 गो। भाई साहब लाइक ये शेडर पैक पे ब्राइटनेस इतनी खतरनाक हो रही है, चेक दिस आउट ये क्या लग रहा है। बाकी इसकी अंदर जाके इसका थोड़ा बहुत मोस्ट वगैरह देख लेते हैं, और ये देखो भाई आसमान का रंग से वनीला टाइप हो रखा है, कितनी ब्राइटनेस कितनी बड़ी लग रही है। या वो गिरे इसको उठा लेते हैं, और यार चेक दिस आउट क्या खतरनाक लग रहा है, अंदर से तो खतरनाक लग ही रहा है और बाहर से इसकी लुक जो भाई लग रही है ना वो खतरनाक। ऑल राइट गाइस, तो आज की इस वीडियो में हमने बनाया आपके लिए एक एन्चेंटमेंट हैंगिंग रूम। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल। आज की वीडियो इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।